वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं न्यू रेसिपी खट्टी कड़ी पंजाबियों की, जिसके लिए हमें चाहिए भिंडी, केरी, बैंगन, मिर्ची, आलू, टमाटर, इमली का पानी, नमक, मिर्ची, बेसन। तो सबसे पहले हम सब चीज़ों को फ्राई करेंगे, टमाटर को छोड़ के। सबसे पहले बैंगन को फ्राई करेंगे। अब हमने ये सब चीज़ें फ्राई कर दी हैं टमाटर को छोड़ के। नेक्स्ट हमने इसमें से तेल थोड़ा निकाल दिया है, कम करके 3-4 स्पून लिया है, और इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच बेसन। अभी हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। जब तक ये ब्राउन ना हो जाए इसको हिलाते रहना है। धीरे धीरे ये ब्राउन हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो सब्जियाँ आप ज़्यादा लेके बेसन की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आज हमने बनाया है 3-4 जन के लिए सब्जी। ये अभी ब्राउन हो गया है। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें ये जो सब्जियाँ हमने फ्राई की थी, इसमें ऐड कर देंगे। गैस कम कर देना है। अच्छे से इसे मिक्स करना है। स्वाद अनुसार नमक। लाल मिर्ची पाउडर। अच्छे से मिक्स कर देना है। और उसके बाद हमें ऐड करना है इसमें पानी। डेढ़ ग्लास इसमें हमें ऐड करना है पानी। अच्छे से इसको मिक्स करना है। इसके बाद हमें जो इमली का पानी रखा था वो इसमें ऐड कर देना है। को 5 मिनट तक के लिए उबाल होना है और अच्छे से पकने देना है। अभी ये हम देखेंगे ये पक गई है या नहीं। ये अभी परफेक्ट बन गई है, सब्जियां वगैरह अच्छे से गल गई हैं। तो अभी हम इसे करेंगे सर्व। अभी ये रेडी है, आप इसे राइस के साथ ट्राई कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू।